तो ये है फ्रेंड मेरे पास लावा का Z62, और इसमें जैसा कि आप देख पाओगे FRP लगी हुई है। सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पे पूरा पूरा बैक आ जाना है, और यहाँ पे आप लोगों क्या करना है, अपने फ़ोन से कोई भी एक वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से कनेक्ट कर लिया हूँ, साथ में एक सिम कार्ड भी लगा लेना है जिसमें एक दो कॉन्टैक्ट सेव होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों क्या करना है, यहाँ पर एमरजेंसी कॉल पर आना है, एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, ऐड कॉन्टैक्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिम के कॉन्टैक्ट आप लोगों को दिखा देगा, कोई भी एक यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं लावा कस्टमर केयर पर क्लिक करूँगा, वापस क्लिक करूँगा और मैसेज पर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे आप मैसेज वाले पे आ जाओगे, अब आप लोगों को यहाँ पे youtube.com सेंड करना होगा, www.youtube.com लिख के आप लोगों को सेंड कर देना है। कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, बस सिम में आपका सेव होना चाहिए, वही आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं www.youtube.com लिख के सेंड कर दूँगा, और इसको सेंड करने के बाद आपको जो लिंक आएगी सेंड होके, उसी पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो उस पे आप लोगों को क्लिक करना है, और जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो आपका जो YouTube है ओपन हो जाएगा क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए। जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना, नो थैंक्स, और यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब खुल गया। अब आप लोगों को यहाँ पर सर्च में क्लिक करना है, और यहाँ पे VNROM सर्च कर देना है, VNROM ये सर्च कर देना है, और फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेंगे। तो इसको फर्स्ट नंबर की वेबसाइट ओपन करने के बाद इस तरह के ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे ओपन सेटिंग लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। तो जो सेटिंग है उसके सामने क्लिक कर देंगे तो आप लोगों की फ़ोन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, नीचे आप लोगों को जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आप आओगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन पिनिंग का, इस पर क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। तो स्क्रीन पिनिंग ऑन कर देंगे, और इसके नीचे जो एक और ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके यहाँ से आप जो भी सेट करना चाहो कर सकते हो। मैं पैटर्न सेट करूँगा, यस पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं पैटर्न सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कोई भी नया पैटर्न लगा सकते हो, पुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एन ड्रॉ करूँगा, आप जो भी चाहो यहाँ पे पासवर्ड पिन जो भी चाहो डाल सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर दूँगा, उसके बाद आप देखोगे फ़ोन को अब पासवर्ड लग चुका है फ़ोन में। तो इस तरीके से पासवर्ड हमारा लग चुका है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, ये सेट करने के बाद पूरा पूरा बैक आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है वहाँ पर हम पूरा पूरा बैक कर लेंगे। तो ये फ़ोन हैंग हो गया है, इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ और ये पासवर्ड डाल दूँगा मैं, बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट आएगा, डोंट कॉपी पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे पैटर्न मांग रहा है, तो आप लोगों को जो नया सेट किया हो वो यहाँ पे डाल देना है। अगर आपने पासवर्ड लगाया हो तो वो सेट कर लेना। तो जैसे आप जो नया पासवर्ड सेट किए हो वो यहाँ पर डालोगे, आप लोगों का फ़ोन खुल जाएगा। यहाँ पर स्किप का बटन आ गया, स्किप पर क्लिक करके आप लोगों को स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मोर एक्सेप्ट, और यहाँ पे एडिंग द फिनिशिंग टचेस, और आप लोगों का फ़ोन जो है खुल जाएगा। अब फ़ोन खुलने के बाद आप लोगों क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग में जाना है, इसको अलाउ कर देंगे परमिशन को। फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिक्योरिटी पे आना है, और जो स्क्रीन पिनिंग हमने ऑन किए हैं उसको वापस ऑफ कर देंगे। और इसको ऑफ़ करने के बाद आप लोगों को जाना है सिक्योरिटी में वापस, और यहाँ से जो स्क्रीन लॉक हमने सेट किए हैं पैटर्न, उसको भी यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। इसको हम स्वाइप पे क्लिक करके यस कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को जो FRP कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, और कोई भी यहाँ पे पासवर्ड या FRP कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।